गाड़ियों के शौकीन लोगों के लिए एक और एसयूवी कार बाजार में जल्द दस्तक देने वाली है। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा ने अपनी यारिस क्रॉस से पर्दा उठा दिया है। नई यारिस क्रॉस को भारतीय बाजार में आम ग्राहकों के ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसके डिजाइन को ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश और किफायती बनाया गया है, जिससे गाड़ी की कीमत भी कम रहेगी और इसमें कई सारे आपको शानदार फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। भारत में लॉन्च होने वाली इस न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी यारिस क्रॉस को कंपनी आने वाले कुछ महीनों में पेश करने वाली है। बताया जा रहा है ये गाड़ी का प्रोडक्शन मेड इन इंडिया होगा। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 3,90,000 रुपये रखी जाएगी और टॉप मॉडल 8-9 लाख रुपये तक जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। ये टोयोटा की अब तक की सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी 3 लाख रुपए के बजट में रहने वाली है दोस्तों। और बताया जा रहा है लॉन्च होते ही इसका सीधा मुकाबला टाटा की आने वाली HBX से रहेगा। अगर हम बात करते हैं टोयोटा की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी यारिस क्रॉस के डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, डिजाइन के मामले में ये काफी स्पोर्टी डिजाइन में है। कंपनी ने इसे शानदार क्रोम फिनिश और फ्रंट में बोल्ड लुक दिया है, जो कि टोयोटा की CHR क्रॉसओवर से मिलता जुलता माना जाता है। फ्रंट में आपको इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको टोयोटा की सिग्नेचर ग्रिल और फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे। वहीं बैक साइड में आपको एल आकार के फुल्ली LED स्लिक टेल लैंप देखने को मिलेंगे और टोयोटा यारिस की बैजिंग देखने को मिलेगी। साथ ही गाड़ी में आपको रूफ रेल्स, साइड स्किड प्लेट्स और क्रोम का इस्तेमाल भी देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी को एक शानदार अग्रेसिव लुक देने में मदद करेगा। उसके साथ ही गाड़ी में आपको डुअल टोन पेंट स्कीम और 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। बताया जा रहा है इस न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी का डिजाइन क्रॉसओवर लुक में आने वाला है, जो कि भारतीय ग्राहकों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। अगर हम बात करते हैं इस कॉम्पैक्ट एसयूवी यारिस क्रॉस के इंटीरियर के बारे में, तो इसका इंटीरियर काफी ज्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल रहने वाला है। गाड़ी में आपको फुल्ली लेदर इंटीरियर देखने को मिलेगा, जो कि डुअल टोन डैशबोर्ड के साथ सनरूफ ऑप्शन के साथ आने वाला है। साथ ही गाड़ी में आपको एम्बिएंट लाइटनिंग, पावर स्टीयरिंग के साथ 10 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ वॉइस कमांड जैसे अन्य कई सारे फीचर्स को सपोर्ट कर पाने में सक्षम होगा। दोस्तों बताया जा रहा है इसमें आपको 5 से 6 सीटर सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी और इसका इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम लुक में आएगा। अगर हम आ जाते हैं इस कॉम्पैक्ट एसयूवी यारिस क्रॉस के इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, तो गाड़ी के इंटीरियर के साथ साथ इसका इंजन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। यारिस क्रॉस में आपको हाइब्रिड इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। इस हाइब्रिड इंजन की पावर 116 BHP की रहेगी। वो बताया जा रहा है इसका माइलेज तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर का रहने वाला है। भारतीय बाजार में टोयोटा की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की लॉन्चिंग डेट अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन बताया जा रहा है इसको कंपनी दिवाली के आसपास भारत के लिए पेश करा जाएगा। दोस्तों अपनी राय अपनी जगह का हमें कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और इसको बुक करवाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक। जल्दी से 500 लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिए और इस गाड़ी को बुक करवा लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।